स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। टायर चेंज कराने के बाद अपने निकल रहे हैं एक वन डे ट्रिप पे, और थंबनेल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे। चले फिर। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4, और ये जो सुबह का मॉर्निंग का टाइम होता है ना, तो यहाँ पर क्या हाईवे पर ट्रैफिक बहुत कम होता है, तो क्या जो रोड है ना अपना जो बहुत जल्दी कवर हो जाता है, जहाँ जाना है वो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं अपने, तो ट्रैफिक भी नहीं नड़ता ना कुछ होता है। और मैंने बताया आपको कि अपने टायर नए डलवाए और लाइटें भी है ही, तो फिर क्या टेंशन। चाय पीने के लिए, और चाय भर दी दे दो, इतना बड़ा कप नहीं छोटे कप में दे दो। कितना मस्त है, एकदम मस्त वाला मौसम हो रहा है यहाँ पे। मैं बोलता हूँ 5-5 रुपए वाले लिया, 3 में छोटे वाले। धर्मा से खराब है ये तो? नहीं यार, ये ठंडा हो गया है तो चाय। इतनी भी ठंडी नहीं है, पी सकते हैं। पी लो पी लो। यहाँ पर से रुक के चाय पीने का मजा आ रहा। तो गाइस गाइस दोस्तों ने गाइस बारिश देखने को मिल गई है एक अरसे के बाद। अहमदाबाद में तो हो नहीं रही थी, सोचा उदयपुर में जाके ही बारिश देख लेते। ये देखो बारिश हो गई, बारिश हो गई और मेरे कांच में एक भी सीटें नहीं। और बारिश बोलते बोलते भी बॉर्डर आ गई। लो राजस्थान में एंट्री भी हो गई बहुत जल्दी। एक घंटे में हिम्मतनगर आए, एक घंटे में सांबला जी आए, अब एक घंटे में उदयपुर पहुंच जाएंगे। कोई पुलिस वाला ही नहीं खड़ा है, इधर नहीं, वो साइड में सब सो गए। उधर भी कोई नहीं है, देख लो कहाँ है, 2-3 खड़े हैं, कोई नहीं देख रहे। यहाँ क्यों लगा दिए? ये राजस्थान है, गुजरात था नहीं, पर यहाँ पहली बार देखा है। राजस्थान पुलिस के बैरिकेड है। दोस्तों शुरू होते हैं सामना जी के खतरनाक मोड़, मतलब घाटी जैसा मोड़ है। ये देखो ट्रक वालों को देखो, जो गुजरात से राजस्थान जो पब्लिक आती है उनके लिए सबसे फेमस होटल है ये किंगफिशर। यहाँ कुछ नहीं करते, सब आके दारू पी के सो जाते हैं सैटरडे संडे आके। और खाने के लिए ऐसे पीने वालों के लिए अच्छी है, बाकी बहुत ही बेकार है ये। अच्छा तेरा कोई एक्सपीरियंस है? आप देखो नए खतरनाक खतरनाक मोड़ देखो, वो आगे ट्रकें रुक गई। ये इसलिए होता है क्योंकि उन पे लोड होता है और वो इतने ऊपर चढ़ास पे चढ़ नहीं पाते। अरे एक लाइन में चल लो भाई ट्रक वालों। ये देखो ट्रैफिक जाम है घाटी के अंदर। एम्बुलेंस में कोई है नहीं तो हम तुमको जाने नहीं देंगे। टाइगर www.safaribusajmer.com अजमेर जा रही है तो टाइगर तो अभी पता नहीं क्या कर रहा है। तो दोस्तों जय भवानी पर रुके हैं, कुछ नाश्ता करेंगे अभी। यहाँ पे कुछ 7-7:30 बज रही है और मां सब ने एकदम तैयार हो गए हैं। अभी सब वॉशरूम गए थे, अब अपने नाश्ता देखते क्या मंगाना है। यहाँ पे ये अपने ठाकुर साहब खड़ा, सबसे बेस्ट ठाकुर साहब। टायर देखो, टायर नए टायर का बहुत फायदा। दोस्तों नाश्ता पाना नाश्ता पीना कर लिया है, अब अपने निकल रहे हैं वापस। चलो अब बस अब अपने
एक आधे घंटे में उदयपुर पहुंचेंगे, उसके बाद में अपने उदयपुर से आगे जाएंगे। उदयपुर जिले में आता एकलिंग जी का मंदिर है, वहां पे जा रहे हैं। अभी ये लोग चॉकलेट या कुछ लेने गए हैं, लेके आ रहे हैं। नाश्ता कर लिया था, यहाँ पे तो मस्त नाश्ता मिलता है, भवानी बहुत फेमस है अपने अहमदाबाद का, सीजी रोड वाला वो ही है ये। देखो देखो इस बुक्खड़ को देखो, नाश्ता किया नहीं है, कुरकुरे खा रही है। अपनी गाड़ी का पीयूसी कदम था आरसी। लो पीयूसी करा रहे हैं, नए टायर के बहुत फायदे है भाई। दोस्तों उदयपुर से पहले बरसात ने हमारा स्वागत कर दिया है, देखो कितनी मस्त बारिश आ रही है और ट्रैफिक भी जाम है अच्छा खासा। अरे 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 ठुका ठुका ठुका, लाइव एक्सीडेंट, बच गया बेचारा। वो ओरन मार रहा है पर अंदर घुस रहा है वो तो साइलेंट देके घुसता गया, बस अंदर जाना है उसको। चलो बाद में मिलेंगे। और दोस्तों जैसे बारिश शुरू हो गाड़ी की स्पीड अपने आप धीरे कर लो, वरना ब्रेक लगते नहीं है। ये अच्छा वाला एक्सपीरियंस हुआ हुआ है, हुआ था ना एक्सपीरियंस अच्छा वाला हुआ। और ये उदयपुर की एंट्रेंस है, अच्छा ऐसा नहीं भूल जाती है, बहुत जल्दी भूल जाती है। अरे चोट लगी हुई है सर में, क्या करे। तो आशीष सर अपने सब गए नहीं, पांडू नाम है उसका, आशीष नाम नहीं है, पांडू पांडू है, पांडू एक छुटा गया। एक तो ये ऊपर से पहले लटके हुए बरसात से बचने के लिए गाड़ी के नीचे बैठ बैठ रहे, आज छूट गया तो ये सीधा अपनी गाड़ी के नीचे। और ये डेड फिर आएगा कि न्यूज में कि उदयपुर में, इसलिए मैंने वीडियो बना लिया, अगर गिरे तो हमारे पास प्रूफ है। देखो दोस्तों मैं आपको उदयपुर के एक अनोखे रास्ते से ले जा रहा हूँ, क्योंकि जो हम बाईपास निकल रहे थे वहाँ तो बहुत ज्यादा जाम था, तो हमने एक गली दिखी तो मैंने सीधी वहां पर डाल दिया रोड पे। काई का झाड़ है, छोरिया का, तोरिया का, तो दोस्त उदयपुर से नाथद्वारा के लिए निकलोगे तब ये टनल क्रॉस करने के बाद में 2 किलोमीटर चलने के बाद ये रास्ता आता है कैलाशपुरी का। अपने अभी जा रहे हैं, देखो यहाँ पे वो चीरवा की गाठी की तरफ एकलिंग जी थी लिखा था। आप अपने यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे नीचे उतर जाएंगे, कोई आ तो नहीं रहा। अरे बम पे बम बम भी नहीं क्रॉस करेंगे, टेम्पे वाले भैया की तरह। टेम्पे वाले भैया छोटे थे ना तो निकल लिए, तो हम 2 मिनट रुक के निकल लिए, कोई बात नहीं निकल लिए। टपरी मिलेगी टपरी, तो ये रायता हिल भी इस साइड ही होगा मेरे हिसाब से। इधर अपने को ऐसे जाना है, अपने को राइट ही जाना है। ये देखिए रास्ता है, ये रास्ता उधर जाने का, इधर चलेंगे हम आगे, देखते हैं चल के। है ये मेरा राजस्थान, 10-12 साल बाद आ रहे हैं अपने। ये मंदिर पे, इस रोड पे, इस रोड पे, ये रोड मेन था ना, हाँ ये क्या, ये मंदिर थोड़ी है, ये मंदिर ही था। तो दोस्तों देखो ये रहा मंदिर एकलिंग जी का, ये मतलब पूरा घाटी के बीच के अंदर। देखो ऐसे अब क्या, सिर्फ जो गांव है ना यहाँ पे वही लोग आते हैं, और टूरिस्ट जिसको मंदिर आना होता है, बाकी यहाँ कोई आता है नहीं। जल्दी से अपने चलते हैं अंदर पैदल पैदल, क्योंकि पार्किंग वहाँ आगे वाले गेट पर नहीं है, पीछे रोड तक लगा के आनी पड़ती है। और यहाँ पर सब खाने पीने का, अपने तो आगे जा रहे मंदिर जाएंगे सबसे पहले।
फिर देखते हैं। और अभी 10 बजी है, मंदिर खुलेगा 10:30 बजे, हम जल्दी जा रहे हैं। देर मार रही है। दम लगा रहा है पूरा पूरा। ये मंदिर के पीछे का तो एक तालाब आता है, वो है ठीक है। और यहाँ तालाब में क्या दिख रहा है, कचरा। नाम खराब कर दिया हमारे मंदिर का। दर्शन में वीडियो फोटोग्राफी सब अलाउड नहीं थी, तो दर्शन तो हमने कर लिए, कुछ अलाउड ही नहीं था, फोटो भी नहीं खींची। अब ऐसे ही जाते हैं। आपको आना हो तो गूगल करके आप आ सकते हो, एकलिंग जी लिखोगे तो आ जाएगा। बहुत बढ़िया जगह है ये, हमारे इष्ट देव होते हैं राजपूतों के, इसके लिए हम आते रहते हैं। अभी अपने फिर उदयपुर में कहीं घूमने चलते हैं, बहुत टाइम है अपने पास। संसो ओए खेतों में जाना। चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। तब ये चल जाए यहाँ से ऊपर, चल जा। और यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, आप ऐसे रोड पे गाड़ी खड़ी करो, जैसे देखो मैंने खड़ी है वैसे कर दो। अभी अपने अपनी बसंती को निकालते हैं, कि तो इतना गंदी जगह में जाना पड़ता है, पूरी गाड़ी गंदी हो गई वापस बारिश की वजह से। जय श्री राम। तो दोस्तों अभी अपने होनेस्ट पे हमने खाना खाया है, मतलब एकलिंग जी से निकले थे तो डायरेक्ट यहाँ पे आए थे, रुके कहीं बीच में नहीं रुके। मतलब ये उदयपुर में अपने राइट साइड में सेलिब्रेशन मॉल आता है, उस तरफ आता है, और इस तरफ है ये अपना क्या नाम है इसका कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं पता, होनेस्ट सर्च कर लेना आ जाएगा ठीक है। मस्त दबा के खाना खाया, अब अपने देखते उदयपुर घूमेंगे, फैमिली की इच्छा होगी तो घूमेंगे, अन्ना फिर अहमदाबाद के लिए निकलते हैं। सुबह 4 बजे निकले थे अपने, 4 या 5 बजे निकले थे, मस्त दर्शन वर्शन कर लिए, सावन चल रहा है इसलिए। और ये हमारे इष्ट देवता एकलिंग जी, इसके लिए हम आते हैं, ये शिव जी है इसलिए हम यहाँ पे आते रहते हैं।